अगर चूहों के आतंक और उनकी समस्या से आप परेशान हैं तो आइए आज बात करते हैं कि चूहे कहां कहां नुकसान करते हैं, उनके आतंक से कितनी क्षति होती है और उसको किस विधि से 100% निजात पाया जाए जिससे यह समस्या और जो हानि हो रही है इससे हमें सफलता मिल सके। पहला नुकसान एवं आतंक, घरों में फ्रिज को काट के अंदर घुस जाते हैं, जो खाने के सामग्रियां होती हैं उनके डिब्बों को काट देते हैं, बिस्किट को खा जाते हैं, फल फूल आदि आलू सब्जियों को नुकसान करते हैं, गंदा कर देते हैं, खा जाते हैं और सभी के घरों में किनारे पर खाने के बाद इतनी गंदगी और बीट कर देते हैं जिसके कारण तमाम जटिल बीमारियां फैल जाती हैं, जिसके कारण बच्चों में कई बीमारियां ज़्यादातर हो सकती हैं। ज़्यादातर देखा जाए किरानों की दुकानों में इनका इतना ज़्यादा आतंक होता है कि उसमें निकालने या भगाने का तरीका नहीं बन पाता और हजारों लाखों का सामान, अमूल्य वस्तुओं को, खाद्य सामग्रियों को काट के बर्बाद कर देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। खलिहानों में फसलों के ढेरों को, बोझों को काट देते हैं और बिल में उनकी बालियां दानों को भर लेते हैं और फसलों के ढेरों में इतना ज़्यादा मिट्टी कर देते हैं जिसके कारण कटाई मड़ाई यानी हार्वेस्टिंग के कामों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। खेतों में जब फसलें तैयार होती हैं उस समय बहुत ज़्यादा बिल बना के नुकसान करते हैं और उसके बाद जब फसलें पक जाती हैं तो उनकी बालियों को, फसलों को काट कर नष्ट कर देते हैं और काफ़ी मात्रा में अपने बिल में भर लेते हैं जिससे बहुत नुकसान होता है, प्रोडक्शन उत्पादन का भी नुकसान होता है और तमाम प्रकार से हानि होती है। खेतों के मेड़ों में इतना ज़्यादा बिल बना देते हैं कि अगर कोई किसान खेत की सिंचाई करता है, पानी की भराई करता है तो वो गाटा भरने के बजाय दूसरे गाटे में, बगल वाले के में पानी चला जाता है जिससे पानी की क्षति होती है और फसल पूरी तरह से सिंचाई नहीं हो पाती जिसके कारण बहुत नुकसान होता है। अनाज भंडारण में चूहे का इतना ज़्यादा आतंक होता है कि सारे अनाज को खाकर और उसमें बीट गंदगी इतना ज़्यादा कर देते हैं कि पूरा अनाज पीला पड़ जाता है, बदबू आने चालू हो जाती है और खाने में तीखापन कड़वा हो जाता है जिससे बीमारी और हैजा फैल सकती है और हमारा पूरा अनाज खराब हो जाता है जिसकी मार्केटिंग वैल्यू बिल्कुल नहीं मिल पाती। रसोई घर किचन में भी घुस जाते हैं, जितना भी खाना और खाद्य सामग्रियां हैं उसको बेकार कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, खाने योग्य नहीं रह जाता और हजारों का नुकसान होता है और बार बार परेशान होना पड़ता है। किचन में बोरी में रखे अनाजों को बर्बाद कर देते हैं, डिब्बों को काट देते हैं जिससे सभी के घरों में बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है। इन समस्त समस्याओं का निराकरण, निदान, उपचार, नियंत्रण, सफलता आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपको 7 ऐसी तार्किक लॉजिक विधि बताई जाएगी जिस विधि से आप समस्त जगहों में हानि पहुंचाने वाले चूहों को, मूसों को जीवन प्रयत्न के लिए भगा सकते हैं और उनसे आपको निजात मिल जाएगा। आपके घर खेत खलिहान किचन से चूहा जीवन प्रयत्न के लिए भाग जाएंगे और दोबारा इन स्थानों पर आने की जरूरत नहीं करेंगे, उनकी कभी हिम्मत नहीं पड़ेगी। तो आइए चूहा भगाने की बेहतर तार्किक विधियों का क्रमबद्ध है एक एक विधि का विस्तृत पूर्वक जानकारी आपको उपलब्ध कराते हैं। लेकिन अगर यह जानकारी और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि उपयोगी वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सिर्फ हमारा उत्साह बढ़ेगा और आपको उपयोगी वीडियो प्रोवाइड करा सकेंगे। धन्यवाद। पहली विधि, आपको थोड़ा सा
बेसन लेना है, बेसन पीसा हुआ कटोरी में, और बेसन लेने के बाद आपको थोड़ा सा 3 से 4 चम्मच बेसन को एक कटोरी में अलग करना है, और डालने के बाद उसमें दो चम्मच देसी घी डालना है, और डालने के बाद उसको बेहतर तरीके से मिलाना है, और मिलाने के बाद जेम्स में यानी कि सिर के कटे हुए छोटे छोटे बाल, जो हम बाल की कटिंग करवाते हैं तो छोटे छोटे पीस में वो गिर जाते हैं, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगा, नाई की दुकान पर जाना है और सिर के कटे छोटे छोटे बालों को लाना है, और बेसन घी का जो आप तैयार किए हैं लेप उसी में डाल देना है, और डालने के बाद खूब विधिवत उसको मिलाना है, और मिलाने के बाद जहाँ जहाँ आपके मूसों की समस्या होए इसकी मटर जैसी छोटी छोटी गोली बना लेना है, और गोली बनाने के बाद जहाँ जहाँ समस्या है वहाँ पर रख देना है, जैसे ही चूहे इस गोली को खाएंगे तो खाने में तो बहुत बेहतर लगे क्योंकि देसी घी बेसन पड़ा हुआ है, लेकिन खाने के बाद गले और पेट में बाल इतना चुभेगा, इतना दर्द पैदा करेगा, इतना खुजली होगी, हैजा कालरा जैसी बीमारी इनके अंदर फैल जाएगी, अब घर खेत खलिहान छोड़कर घबराहट से बाहर भागेंगे, इस खुजली जैसी दर्द की तड़प तड़प के मर जाएंगे और भाग जाएंगे, जीवन में घर में वापस नहीं आएंगे। चूहा भगाने का अगला तरीका, आपको एक कटोरी में थोड़ा सा गेहूं का आटा लेना है, और आटा को दूसरी कटोरी में 5 चम्मच डालना है, और डालने के बाद 2 चम्मच चीनी का चूरा डालना है, चीनी पीसी हुई चीनी का चूरा डालना है, और उसमें 5 चुटकी नमक डालना है पीसा हुआ, और 1/2 चम्मच पीसी हुई काली मिर्च का पाउडर डालना है। मार्केट में व्हाइट पेपर के नाम पर पीसा हुआ पाउडर मिलता है, सभी को डालने के बाद 1 चम्मच देसी घी डालना है, और थोड़ा सा पानी डाल के मिला देना है, और मिलाने के बाद छोटी छोटी गोली बना लेना है, और जहाँ पर समस्या है वहाँ पर रख देना है। खाने में तो मधुवन की तरह लगेगा क्योंकि चीनी पड़ी हुई है, और खाने के मात्र 1 मिनट के बाद इतना पेट में जलन और दर्द पैदा करेगा कि घबराहट से उस स्थान से बाहर भागेंगे, और उसके बाद दर्द जलन के कारण उनकी मृत्यु हो जाएगी या दोबारा कभी नहीं वापस आएंगे। अगली विधि, आपको एक कटोरी में थोड़ा सा आटा लेना है, और आटे में जो फेविकोल लकड़ी चिपकाने के लिए छोटी डिब्बी 5 से 10 रुपए का आता है, उसी फेविकोल को आपको आटे में डाल देना है, और डालने के बाद खूब मिलाना है, और मिलाने के बाद चिपचिपा हो जाएगा इसकी, खूब आटा और बढ़ा दीजिए, और जब हल्का सूखा लगने लगे तो उसकी छोटी छोटी गोली बना लेना है, और इस गोली को रख लेना है, जहाँ जहाँ पर समस्या हो उस गोली को रख दीजिए, चूहे गोली को जैसे खाएंगे गले और पेट में जाकर चिपक जाएगा, और चिपकने के बाद इतनी दर्द और घबराहट होगी कि वहाँ से वो भाग निकलेंगे, और बाहर जाने पर उनकी मृत्यु हो जाएगी, और डर के मारे बचे भी रहेंगे तो कभी वापस नहीं आएंगे। अगली विधि, आपको 5 चम्मच बेसन कटोरी में लेना है, और उसमें लहसुन अदरक और प्याज का रस को निकालना है, और निकालने के बाद उसी में डालकर उसकी गुंथाई कर देना है, और मिलाने के बाद छोटी छोटी गोली बना लेना है, और इस गोली को जहाँ पर आतंक हो वहाँ पर रख देना है। खाने में तो अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ देर के बाद लहसुन अदरक प्याज में अत्यधिक जलन होगी, और प्याज का कड़वाहट और तीखापन और जो उसकी महक इतना बेकार लगेगी खाने के बाद कि वो भागते फिरेंगे और मर जाएंगे और दोबारा कभी नहीं आएंगे। अगली विधि, आपको काटन की रुई लेना है, जिसकी हम लोग पूजा के लिए बाती बनाते हैं, उस रुई को हाथ में
लेकर अब खूब रगड़ रगड़ के छोटी छोटी गोली बनाना है। मटर से बड़ी नहीं होनी चाहिए, खूब रगड़ रगड़ के दबा दबा के गोली बना लेना है। गोली बनाने के बाद गुड़ के चाशनी यानी सीरा में उसको डाल देना है, और डालने के बाद बाहर निकाल कर सुखा लेना है। जहाँ पर मूसों की समस्या हो इस गोली को रख दीजिए, और उनके लिए तो रसगुल्ले के समान लगेगी, लेकिन खाने के बाद दबी हुई रुई जब पेट में उनका लार और पानी पाएगी तो गुब्बारे की तरह फूलना चालू हो जाएगी, और गले में ही जाते यह रुई की गोली फंस जाएगी। अब फूलने से उनकी सांस रुकना चालू हो जाएगी, सांस न लेने की अवस्था में वो घबराहट से बाहर भागेंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह तरीका सबसे बेहतर और उत्तम है, आपका कोई खर्च नहीं लगेगा। अगला तरीका, थोड़ा सा बेसन लीजिए 5 चम्मच, और उसमें थोड़ा सा 20 बूंद पेपरमिंट का आप तरल पदार्थ डालिए जो मेडिकल पर मिल जाता है, और उसमें थोड़ा सा बाम डालिए जिसको मार्केट में झंडू बाम या अन्य कंपनियों के नाम से मिलता है। पेपरमिंट, झंडू बाम और बेसन, थोड़ा सा पानी डालकर उसकी गुंथाई करके छोटी छोटी गोली बना लीजिए, और जहाँ समस्या है वहाँ रख दीजिए। चूहे तुरंत उसको जैसे ही खाएंगे उसके महक और बदबू और जलन से बिल्कुल भाग जाएंगे, दोबारा नहीं आएंगे। अगला तरीका, अगर चूहों से बहुत ज़्यादा दिक्कत है और उनको तुरंत 5 मिनट के अंदर मृत्यु देना है, मार देना है, तो यह रासायनिक तरीका प्रयोग कर लीजिए। पहले यह कागज पर थोड़ा सा आटा गिराइए, लगभग 5 से 7 ग्राम, और आटे के ऊपर जिंक फास्फाइड की पुड़िया हर किसान बीज की दुकानों पर मिलता है, जिसको रेटिल के नाम से बोलते हैं, कई नामों से आता है, जिसका नाम होता है जिंक फास्फाइड। उसमें काली दवा होती है, 20 रुपये की आती है। उसका एक किनारा काटिए और पहले आटा गिराइए, आटे के ऊपर एक परत या काली दवा गिराइए जिंक फास्फाइड, उसके ऊपर फिर एक परत आटे की लेयर चढ़ा दीजिए, और जहाँ पर समस्या हो वहाँ पर रख दीजिए। अगर उसके बगल से चूहा गुजर जाएगा तो भी तड़प तड़प के मर जाएगा, और मात्र एक मुँह एक बार एक खुराक खा ले उसमें थोड़ा सा, उसकी तुरंत यथाशीघ्र मृत्यु हो जाएगी और चूहों से निजात मिल जाएगा। अगला तरीका, अगर मात्र घरों में और दुकानों में चूहों की समस्या और आतंक है, तो आप मार्केट से हार्डवेयर लोहे लकड़ की दुकानों से आप स्टील और लोहे की बनी चूहा दानी लाइए, जिसमें फाटक होता है, खटक होता है, जैसे ही चूहा उसमें घुसेगा वो बंद हो जाएगा जेल की तरह। इसमें करना क्या है, लाना है इसको, फाटक को खोलना है, और इसमें बने पॉइंट में आपको सेब, बिस्किट या खाने वाले लालच पैदा करने वाले सामग्रियों को लगा देना है। जैसे ही चूहा उस खटक को खाने की कोशिश करेगा, उसमें ज़रा सा भी वाइब्रेट होगा, चूहेदानी में तुरंत उसका दरवाज़ा बंद हो जाएगा, और चूहे तिहाड़ जेल की तरह उसमें बंद हो के कैद हो जाएगा, जिसको आप बाहर ले जाकर जंगलों में झाड़ियों में छोड़ सकते हैं बहुत दूर, जो वापस आने की समस्या दूर हो सके। इन समस्त विधियों के द्वारा आप मूस और चूहे के आतंक और समस्याओं से निजात पा सकते हैं, उनसे हमेशा के लिए उनके आतंक से मुक्त हो सकते हैं, और बीमारी, मानसिक और आर्थिक क्षति से बचाव कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मुझे उससे उत्साह मिलता है।